1.4 गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्माडिल्लो आदि का डार्विन ने अध्ययन किया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बीगल का सफर आगे बढ़ा तब उन्हें और कई प्रकार के भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफर के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की।